हेलो फ्रेंड्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल द पॉलिटेक्निक क्लासेस में स्वागत है। तो अभी क्या है कि एग्ज़ाम का सीज़न आने वाला है, आपका सिक्स सेमेस्टर का एग्ज़ाम होने वाला है। इसके साथ साथ जो बैकलॉग थे, मतलब कि जिनका बैक कैरी था, कैरी पेपर था, उनका भी एग्ज़ाम होने वाला है। तो इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स लोग कमेंट कर रहे थे, वो जानना चाह रहे थे कि सर हमें एग्ज़ाम में किस लैंग्वेज में लिखना चाहिए, हिंदी में लिखना चाहिए या इंग्लिश में लिखना चाहिए या हिंदी इंग्लिश दोनों मिला करके लिखना चाहिए। अगर मैं हिंदी में लिखता हूँ तो उससे एग्ज़ामिनर पे क्या प्रभाव पड़ता है, कॉपी चेक होता है तो नंबर कम मिलता है या ज़्यादा मिलता है, या फिर कितना का डिफरेंस रहता है, इस टॉपिक पर थोड़ा बताएँ। तो मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूँ कि आज मैं इन्हीं सारे टॉपिक्स को लेकर के बात करने आया हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूँ कि ये जो हमारा डिप्लोमा एग्ज़ाम होता है, तो उसमें जब आप क्वेश्चन पेपर आपको मिलते होंगे एग्ज़ाम में, तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो क्वेश्चंस होते हैं वो इंग्लिश और उसके साथ साथ हिंदी में भी दिया हुआ रहता है। तो देखिए, इससे तो यह स्पष्ट जाहिर होता है कि अगर आपको क्वेश्चन पेपर में ही क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश दोनों में दिया गया है, तो ये आपका साफ से साफ ये पता चलता है कि आप जो आंसर है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं, या फिर आप हिंदी इंग्लिश मिला करके भी लिख सकते हैं। तो चलिए आइए, अब हम लोग जानते हैं कि इस हिंदी में लिखने से और इंग्लिश में लिखने से क्या प्रभाव पड़ता है और किस तरह से हम लिखें, तो वो जो हमारा हिंदी में लिखने से या इंग्लिश में लिखने से जो हमारा प्रभाव पड़ता है उसमें नंबर कैसे, जैसे 4 नंबर का मार्क्स का है तो वो 4 नंबर कैसे हम गेन कर सकें, और 6 नंबर का मार्क्स का है तो उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसे मार्क्स गेन कर सकें। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आप लोग का क्या था कि सर एग्ज़ाम में आंसर देने के माध्यम से परेशान रहता हूँ, एक स्टूडेंट ने ये कमेंट किया, एक क्या बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो पूछ रहे थे बहुत दिनों से। तो इसमें से ये क्या बोल रहे थे कि हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में लिखूँ, सर कुछ समझ में नहीं आ रहा। और एग्ज़ाम जब सर पे आता है ना, तो जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ाई कर रहे हैं और समझ में नहीं आता है, तो हमारे माइंड में एक चलने लगता है कि याद नहीं हो रहा है, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ये होता है। तो सारा को आज मैं डिटेल से बताऊंगा, फिर उसके बाद मार्क्स पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, तो किस तरह से हैंडराइटिंग है जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और आंसर लिखने का पैटर्न किस तरह से हम लोगों का होना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हम लोग गेन कर सकें। तो इन्हीं सारे टॉपिक को मैं क्लियरिफाई करने आ रहा हूँ। तो आप लोग ध्यान रखिएगा कि एग्ज़ाम पेपर जब भी आप लिखें, तो आप कभी भी ये सोच करके नहीं लिखिए कि हम अगर हिंदी में लिखेंगे तो हमें नंबर कम मिलेगा, हमारे मार्क्स कम आएंगे, तो ये सब सोचना नहीं है। अगर आप जवाब इंग्लिश में दे रहे हैं या हिंदी में दे रहे हैं, ये नंबर डिपेंड करता है आपके हैंड राइटिंग पे, कि आप हैंड राइटिंग कैसा है और आप जो लिख रहे हैं जवाब लिख रहे हैं वो क्या लिख रहे हैं। अगर आप हिंदी में लिख रहे हैं और आपने जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आंसर दिया है, हिंदी लैंग्वेज में ही दिया है, आपको नंबर मिलते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते हैं। हाँ, नंबर काटे जाते हैं, वो कहाँ पे कटते हैं, तो हैंड राइटिंग पे कटते हैं, कि आप जैसे आपने आंसर सही दिया पर आपकी हैंड राइटिंग सही नहीं है, तो क्या होता है एग्जामिनर जब वो चेक करने बैठते हैं कॉपी, तो आपके राइटिंग से बहुत ही मतलब कि वो प्रभावित होते हैं। तो जिनका जैसे आपका राइटिंग सही नहीं रहेगा, उनको पढ़ने में प्रॉब्लम होगी, तो उनको प्रॉब्लम हुई तो समझिए कि आपके आपको प्रॉब्लम हो गई। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो कॉपी जांचने वाला एग्जामिनर है उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, समझे ना, कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप अपना जवाब दें, ताकि वो आंसर जब पढ़ें तो उनको लगे कि हाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जवाब दिया हुआ है। तो सबसे फर्स्ट बात कि आप अपने लैंग्वेज में ही उत्तर दें, जैसे कहने का मतलब कोई क्या करते हैं कि एकदम रटा रटाया जवाब लिख देते हैं, वैसा नहीं करना आप। हाँ, क्वेश्चन पढ़िए, जहाँ से भी उसका आंसर पढ़ते हैं, क्वेश्चन बैंक वगैरह ये सबसे पढ़ते हैं आप, पढ़िए और पढ़ने के बाद उसको अपने शब्दों में एक बार, दो बार, तीन बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए, इतनी बार लिख करके प्रैक्टिस कर लीजिए कि आप जब एग्ज़ाम में बैठिए, एग्ज़ाम में लिखना बैठिए, तो आपको अच्छे ढंग से लिख सकें। ठीक है,
तो ये ध्यान रखिएगा। अब ध्यान रखना है आपको क्या कि हमने तो एग्ज़ाम का पेपर लिख दिया, तो हमारा राइटिंग क्या होना चाहिए, थोड़ा अच्छा होना चाहिए। हाँ, जिनकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो वो क्या कीजिए कि राइटिंग अच्छी नहीं है इससे कोई मतलब नहीं रखता। आप अगर हिंदी में लिखने के एप्लीकेबल हो तो आप हिंदी में ही लिखो, पर हाँ उसमें भी आप जितना बेस्ट मतलब कि जितना अच्छे से लिख सकते हो लिखने का प्रयास किया करो। जैसे 4 नंबर का कोई क्वेश्चन आता है तो उसके पॉइंट टू पॉइंट आप लिखिए, अगर उसमें कोई फिगर बना सकते हैं तो फिगर बना दीजिए, उसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट जैसे उसके करेक्टरिस्टिक्स हो गए, उसके अप्लीकेशंस हो गए, ये सबको क्या करना है आपको अच्छे से लिखना है। जैसे आपका जो एग्ज़ाम में क्या पैटर्न होता है तो मार्क्स होता है, पर इसका प्रभाव पड़ता है, तो मार्क्स जो है आपका क्या है तो हैंडराइटिंग पे डिपेंड करता है। इससे आपके मार्क्स 1-2 नंबर इंक्रीज करेंगे। अगर आप सोचिए कि 1-2 नंबर हर एक क्वेश्चंस में आपकी इंक्रीज करते हैं इस हैंडराइटिंग पे, तो बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं तो उस पर आपका कितना मार्क्स इंक्रीज हो जाएगा, तो ये बहुत ही डिपेंड करता है। तो हैंडराइटिंग बहुत ही मस्ट है, चाहे वो इंग्लिश में हो या हिंदी में हो, ये भी एक मतलब कि एक ये इफेक्ट डालता है आपके मार्क्स पे। उसके बाद आंसर का पैटर्न कि आंसर आप किस तरह से लिख रहे हैं, इसमें क्या है तो सबसे पहला अगर आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मान लिया जाए कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आप डायग्राम बना सकते हो, उसका फिगर बना सकते हो, तो उसको जरूर बनाएं और अच्छे से बनाएं। जैसे ये नहीं कि एक फिगर बना रहे हैं छोटा सा, इतना सा जगह में गूंज पूंज करके बना दी, मतलब कि बहुत छोटा करके बना दिए, ऐसा नहीं। आपके पास पेज की कमी नहीं रहती है, एग्ज़ाम में इतना सारा पेज रहता है कि पूरा तो कभी हो नहीं पाता, एक आध दो सब्जेक्ट में आप पूरा कर लिए होंगे तो होता है, तो ये जरूर रखिए। अब देखिए डायग्राम जो बनाए तो डायग्राम का आप कंस्ट्रक्शनल डिटेल लिख सकते हैं कि किस तरह से उसको कनेक्ट किए उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल लिख सकते हैं। उसके बाद उसका ऑपरेशन लिख सकते हैं, मान लिया जाए कोई भी डिवाइस है तो उसका ऑपरेशन लिख सकते हैं, इसको डिफाइन कीजिए। उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स वगैरह लिखिए, जैसे फ्रीक्वेंसी बैंड हो गया उसका, और एप्लीकेशन कहाँ पे करते हैं उसको आप डिनोट करके लिखिए। तो इस तरह से ये लिखिएगा तो हमेशा ये देखिए ये 6 नंबर का क्वेश्चन या 4 नंबर का क्वेश्चन जब भी आपको मिले तो उसको इस फॉर्म में लिखने का प्रयास किया कीजिए। इससे क्या होते हैं आपके नंबर मिलते हैं, जैसे आपने डायग्राम बना दिया तो डायग्राम पे आपके 1-2 नंबर 3 नंबर मिल जाएंगे, तो कंफर्म रहिए। अगर आपने उसका कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन सही से कर दिया तो उसमें 2-3 नंबर आपको कोई नहीं काटने वाला। अब देखिए आप उसके करेक्टरिस्टिक्स और एप्लीकेशन लिख दीजिएगा, 2 नंबर ये यहाँ से आपको मिल जाएंगे। तो अगर वो 6 नंबर का क्वेश्चन है तो आपके ये 6 नंबर पूरे के पूरे कंफर्म, अगर जिनका ये हो जाएगा। अब इसी तरह से अगर 4 नंबर का है तो आप डायग्राम उसके कंस्ट्रक्शन ऑपरेशन नहीं भी लिखिएगा, जैसे 4 नंबर में आया तो उसके बारे में थोड़ा बहुत ऑपरेशन में इंक्लूड करके लिख दिए। उसके बाद उसके करेक्टरिस्टिक्स पॉइंट वाइज लिख देना है, जैसे फ्रीक्वेंसी रेंज वगैरह सब। उसके बाद उसका क्या है तो अप्लीकेशन लिख देना, उतने में आपको 4 नंबर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को ये बता दूँ। हाँ, और ये भी एक टेंशन में रहते हैं स्टूडेंट लोग कि जैसे सेमेस्टर में हम लोग सर मेरा कैरी है पेपर है तो उसको कैसे क्लियर किया जा सके। तो देखिए मैं बता दूं कि आप अगर जो मतलब कि अभी अभी आए हैं जो 3rd सेमेस्टर में, वो अपना किन्हीं का कैरी वगैरह ये सब है, तो वो क्या कीजिए कि अगर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि हमको इंग्लिश समझ में नहीं आता, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। मैं भी जब फर्स्ट बार आया था तो मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम था, मेरा भी 1st सेमेस्टर में कैरी लगा था, एक नहीं दो दो पेपर में कैरी लगा था। फिर नेक्स्ट सेमेस्टर में मैंने 2nd सेमेस्टर का पेपर दिया था और उसके साथ साथ कैरी पेपर दिया था। फर्स्ट सिटिंग में, 2nd सिटिंग में मैं अपना 2nd सेमेस्टर का पेपर देता था, उस फिर 1st सिटिंग में उसका कैरी पेपर देता था। तो सोचिए एक दिन में दो दो एग्ज़ाम दे करके मैंने इस तरह से पास किया। तो देखिए हिंदी में कहते हैं, हिंदी में मैंने पूरा, मुझे याद है कि मैं जब 1st सेमेस्टर में था तो हम लोग के समय में फिजिक्स केमिस्ट्री और 1st सेमेस्टर में सर्वेइंग एक था, एक कंप्यूटर साइंस था, और फिर एक ट्रिपल ई होता था, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का पेपर होता था। तो इसमें से मैंने 3 पेपर पास कर लिए थे, 2 मेरा कैरी लगा था, एक कंप्यूटर साइंस का और एक मेरा सर्वेइंग का पेपर कैरी लगा था। उस समय मुझे इंग्लिश ना के बराबर आती थी, थोड़ी बहुत जानता था, तो मैंने पूरा पेपर हिंदी में लिखा था तो पास कर गया था। सोचिए पास हो गया था, फिर मैंने उसको अच्छे से हिंदी में ही प्रैक्टिस किया था 2nd सेमेस्टर में, और उसको अच्छे से पेपर दिया और अच्छे मार्क्स भी आए थे। 1st सेमेस्टर में तो उतना आया नहीं था, 464 नंबर आया था 2 कैरी के साथ,
लेकिन सेकेंड सेमेस्टर में 496 आया था और पूरा पेपर हिंदी में लिख करके आया था, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं। और दोनों पेपर कैरी पेपर भी पास हो गया था, उसमें भी सारा पेपर कुछ हिंदी में लिख करके आया था। तो आप लोग हिंदी से डर, मतलब कि इससे ये नहीं डरिए कि हिंदी में लिखूंगा नंबर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। पर मैं आप लोगों को जो नए नए अभी आए हैं उनको मैं ये सलाह दूंगा कि आप हिंदी में लिख रहे हैं, फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर में काम चला रहे हैं, आप थर्ड फोर्थ फिफ्थ अभी अभी आपका सिक्स सेमेस्टर तक बाकी है, तो आप लोग ये ट्राई कीजिए कि आप इंग्लिश जानें, क्योंकि इंग्लिश बहुत ज़रूरी है और ये आपको बहुत मदद करेगा। क्योंकि अभी आपको सिर्फ डिप्लोमा पास करके ये डिग्री लेकर के तो बैठना नहीं है, आपको कुछ आगे काम करना है, आपको कुछ अलग करना है, तो आपको इंग्लिश बहुत हेल्प करेगा। तो इंग्लिश में आप ट्राई कीजिए, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, आप ट्राई करो बस। और इसके साथ साथ मैं बता दूँ तो ये सारा हो गया। अब देखिए सिक्स सेमेस्टर के स्टूडेंट के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि सर एक जो प्रोफेशनल है, जो मैनेजमेंट बैकग्राउंड जिसमें जिसको पढ़ना है, तो वो जो स्टडी है उसमें सर प्रॉब्लम हो रही है कि हिंदी में लिखे कैसे लिखे। तो देखिए आपको जिस तरह से आपको लगता है, आप अगर हिंदी में लिखने के लिए ट्राई करते हो, आप लिख सकते हो, तो आप हिंदी में ही पेपर लिखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बता दूं कि जब मैं फिफ्थ सेमेस्टर में था, मुझे याद है कि फिफ्थ सेमेस्टर में याद था टेलीविज़न इंजीनियरिंग का एग्ज़ाम दे रहा था, तो मुझे लिखने को आ रहा था टेलीविज़न इंजीनियरिंग में बूस्टर एम्पलीफायर के बारे में लिख रहा था। तो बूस्टर एम्पलीफायर में मैंने बताया है कि उसमें क्या होता है कि सिग्नल वीक होने के कारण से हमारा वीडियो सिग्नल में ना तो क्लियर से दिखाई देता है, सिंथेसिस करके इस तरह से कुछ रास्टिंग का प्रॉब्लम होता है, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं। तो जब मैं लिखने लगा तो वो बर्ड ही भूल गया, तो मैं वहाँ पे क्या किया, मैंने हिंदी में लिख दिया कि फिगर में झिलमिलाहट होती है और साउंड में सरसराहट आ जाती है। तो साइनिंग सीजनिंग करके ऐसा कुछ मीनिंग था, तो ये मुझे याद नहीं आ रहा था, मैंने हिंदी में ऐसा लिख दिया। और उसी समय जो टीचर थे, जो रहते हैं हमारे क्लासरूम में एग्ज़ाम के टाइम में, वो हमारे पास खड़े थे। अब उनको ये शक हो गया कि लड़का अभी इंग्लिश में लिख रहा था, मैं जैसे आया ये हिंदी में लिखना स्टार्ट कर दिया। उनको ये शक हो गया कि ये चोरी कर रहा है, उन्होंने मेरा पूरा टेबल नीचे ऊपर कॉपी ऊपर पूरा जांच लिए। तो उनको ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्यों ऐसा। मैं उनको बता रहा हूँ कि सर मेरे साथ क्या है, प्रॉब्लम है, हिंदी इंग्लिश का प्रॉब्लम है, इसलिए मुझको जब जो याद आता है, जैसे हिंदी तो हिंदी याद आया तो हिंदी में लिख देता हूँ पेपर में, ये नहीं देखता कहाँ से आधा हिंदी लिखा आधा हिंदी आधा इंग्लिश लिख देता हूँ, ये नहीं देखता कि कहाँ क्या लिख रहा हूँ। जब जो समझ में आता है हम लिखते चले जाते हैं, चाहे वो मीनिंग आए या ना आए, उसका हिंदी में ही लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। तो वो टीचर मतलब कि ये सोचने लगे, तो ये सबसे कोई भ्रमित नहीं, ऐसा नहीं है कि उसमें नंबर नहीं आया था, आया था मेरा अच्छा मार्क्स भी आया था। और फिर सबसे बड़ी बात, सिक्स सेमेस्टर में ये जो आपका मैनेजमेंट बैकग्राउंड ये सब है, आप हिंदी में प्योर अगर लिखना चाहो तो लिख सको, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये क्या है तो ये एक लैंग्वेज हो जाता है, लैंग्वेज की तरह ये लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर की तरह हो जाता है, तो इसमें वर्ड मीनिंग बैकग्राउंड ये सब लिखोगे गलत होगा तो उसमें आपके नंबर जाएंगे। तो ये नहीं सोचिए, जो इंग्लिश में लिखना कैपेबल का है वो आप इंग्लिश में लिखो, लेकिन जो नहीं कर पा रहे हैं वो हिंदी में भी लिख सकते हैं। मैंने सिक्स सेमेस्टर में ये जो मैनेजमेंट का पेपर था वो पूरा का पूरा हिंदी में लिखा था और अच्छे मार्क्स भी आ गए थे। उसमें हम लोग का 80 नंबर का होता था मार्क्स, उसमें लगभग 60-62 अप्रॉक्स में आ गया था मार्क्स, तो हिंदी में लिखना चाहिए। उसमें एक जो टीचर थे वो जब देख रहे थे, हम जब कॉपी लिख रहे थे, तो वो मेरे पास आकर के पूरे पूरे क्लासरूम में वो मेरे पास ही आकर के खड़े रहे, क्योंकि मैं A to Z पेपर को एक वर्ड भी उसमें इंग्लिश का मैंने यूज़ नहीं किया था, पूरा का पूरा हिंदी में लिख दिया था। वो देख करके दंग रह गए थे कि इतनी अच्छी इंग्लिश हिंदी कैसे लिख रहा है। क्योंकि होता है कि जैसे मैं छोड़ दिया था, जैसे मैं 10th तक इंग्लिश हिंदी मीडियम से ही पढ़ा था, तो मुझे उसकी उस पर पूरा कॉन्फिडेंस था कि मैं इसको अगर हिंदी में लिखूं तो इंग्लिश से ज़्यादा अच्छे में लिख सकता था, क्योंकि इंग्लिश उतनी मजबूत नहीं थी उस समय, तो इसलिए उसको मैंने हिंदी में लिखा था। वो लास्ट में सर बोले थे कि मान गए तुम्हें, जो आपने पूरा का पूरा आंसर हिंदी में दे दिया, वो बहुत खुश हो रहे थे कि इतनी अच्छी हिंदी कैसे लिख ले रहा, क्योंकि राइटिंग भी थोड़ा है, बनाते हैं लिखते हैं थोड़ा, जो कहिए अच्छा या बुरा, फिर भी जो भी है सही है, क्योंकि जो राइटिंग से अगर कोई दूसरे पढ़ करके समझ ले रहे हैं, मतलब कि उसको पढ़ पा रहे हैं, तो आपकी राइटिंग समझिए कि अच्छी है। अगर कोई दूसरा नहीं पढ़ पा रहा है तो समझिए कि उसमें सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस तरह से हिंदी और इंग्लिश में कैसे लिखें, क्या ये सारे मन में डाउट थे आपके,
तो ये सबसे डर ना हटा करके रखिए, जैसे आपको आता है जिस समय उस समय का सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको जो है वो करिए, और अपने आप की सुनिए, कोई दूसरा तीसरा क्या कह रहा है कि ऐसा होता है नंबर कट जाता है ये नहीं, आप अपने खुद से एक सेमेस्टर में एक पेपर में लिख करके देखिए, आपने लिखा भी होगा फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में, ऐसा किया भी होगा, आपके वहाँ पे नंबर नहीं आए थे क्या, ये खुद से सोचिए और अपने हिसाब से अपना कीजिए। तो ठीक है, अब मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तो बने रहिए तो पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ और भी जानकारी के लिए, और इस तरह की अगर आप लोग के पास कोई भी डाउट है तो उसको आप लोग ज़रूर बताएं, उसका ज़रूर मैं सॉल्यूशन देने का प्रयास करूँगा, आपका कन्फ्यूजन दूर करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ।